30 तारीख में तो जो उत्तर पश्चिमी भाग से सटे हुए जो उत्तरी भाग है वहां पर कुछ इलाकों में बहुत हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख में पूरे उत्तरी भाग में हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी जो मॉइस्चर आ रहा है ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर से आ रहा है, पश्चिम विक्षोभ के असर से आ रहा है और ये लोअर से मिड ट्रोपोस्फीयर तक थोड़ा सा इसका विंड कन्वर्जेंस हो रहा है, इसके कारण से हल्का मॉइस्चर आ रहा है और थोड़ा सा सेंट्रल भाग में भी बीच बीच में आपको आंशिक बादल देखने को मिल रहे हैं। शेष भाग में मौसम शुष्की बना हुआ है। और अब बात करते हैं कि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से सटे हुए अंडमान सागर में वो आज वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है और 30 तारीख में उसके डिप्रेशन बनने की संभावना है, 2 तारीख में उसके साइक्लोन बनने की में संभावना जताई जा रही है। तो वो जो सिस्टम है वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट उसका मूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे वो जो भारत के दक्षिणी भाग हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ में वो बढ़ रहा है। तो अभी आने वाले 2-3 दिन में बहुत हल्के से दर्जे की बारिश उत्तर पश्चिमी इलाकों में देखने को मिल सकती है, उत्तरी इलाकों में देखने को मिल सकती है। शेष भाग में मौसम शुष्की रहेगा, थोड़ा जो बादल आ रहा है उससे न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये बादल आने लगे हैं तो न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ते देखने को मिल रही है। तो 3 दिन के बाद से झारखंड में मौसम शुष्की रहेगा और जैसे ही ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी बन रहा है उसका प्रभाव 2-3 तारीख से झारखंड में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा और नमी वाली हवाएं थोड़ा सा बादल लेके झारखंड में भी आने लगेगी 2-3 तारीख के बाद से। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर झारखंड में देखने को मिला था उसका थोड़ा सा अभी भी देखने को मिल रहा है और निचले से मध्य क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर तक में थोड़ा सा जो विंड कन्वर्जेंस है, नमी वाले हवाओं का जो समागम हो रहा है उसके कारण से थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो झारखंड में अभी भी आ रहा है, उसके कारण